नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा घटना चक्र बुक के बारे में। ये बुक है आपके सामने एसएससी की, फॉर एसएससी स्टूडेंट, फॉर एसएससी एग्जाम। देखिए, इस बुक में केवल वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके प्रीवियस एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एग्जाम सीजीएल टायर 1 का हो, सीपीओ का हो, एसआई का हो, एमटीएस का हो, स्टेनोग्राफर का हो या फिर 10+2। देखिए, पढ़ने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं बुक के। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो ढेर सारे क्लासेस के नोट्स आपको मिल जाते हैं। सबसे सही तरीका तो देखो, मेरे हिसाब से यही होता है कि पहले एक एक चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ा जाए, उसके बाद में एक स्टैंडर्ड बुक परचेज करी जाए जिसको हम बोलते हैं लूसेंट, उसके बाद प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में केवल उनको रिवाइज करा जाए। जब समय काफी कम होता है एग्जाम का तब क्या करें? ये क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में बहुत लंबे समय तक चलता रहता है कि यार कि एग्जाम होने वाला है, एक महीना बचा है, मैथ भी करना है, इंग्लिश भी करना है, जीएस भी करना है, रीजनिंग भी करना है, तो कहाँ से शुरुआत करें, कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप देखिए, जीएस में तो क्या होता है, जीएस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 90% रिपीट होते हैं आपके नए एग्जाम में, तो केवल और केवल फोकस करिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन में। जैसे कि किरण पब्लिकेशंस है, वो भी किताब निकालता है, तो उसमें भी क्या होता है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन होते हैं जीएस के, मैथ के, इंग्लिश के, वो इंडिविजुअली सब निकालता है, ठीक है। उसी तरह से घटना चक्र बुक भी है। अगर आपके पास किरण है तो इसको परचेस मत करना, ठीक है, तो इसमें से मत पढ़ो, फिर इसको साइड करो वीडियो को, ठीक है, वीडियो को क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दोनों में से कोई बुक नहीं है तो कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार वॉच करिए, इसकी प्लेलिस्ट में जाइए और ध्यान से सभी वीडियो को वॉच करिए और जो भी क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं ईयर वाइज, मैं दिखाऊंगा अभी कि क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन कैसा होता है इस बुक में, तो उन सबको आप याद करिए। प्लेलिस्ट में 15 से 16 वीडियो कम से कम है उसमें, ठीक है, एक एक वीडियो में कम से कम आपके 50 से 60 क्वेश्चंस कवर होंगे, तो आप उनको करिए। और समय बहुत कम है तो ये बुक आप मार्केट में जाके परचेस कर सकते हैं, मैं फोर्स करूंगा मार्केट में जाके आप परचेस करिए, आप देख सकते हैं कि बुक का क्वालिटी क्या है, पेज की फटा तो नहीं है। वैसे नई बुक में कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। अगर आपको बुक परचेस करनी है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको एक लिंक दूंगा, आप वहां से भी बुक को परचेस कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है केवल वीडियो के माध्यम से मुझको स्टडी करनी है, मुझे बुक परचेस नहीं करनी है, फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है या जो भी आपका पर्सनल रीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें अगर समय कम है तो। सारांश में बस केवल इतना ही। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, ये है पार्ट 4, ठीक है, ये है पार्ट 4 मध्यकालीन भारत का, तो मैं पार्ट 4 शुरू करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इससे पहले के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए 31 क्वेश्चंस में हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। आप याद रखना, वो बात कर रहा है नहीं है कि, ठीक है। तो बच्चे कभी कभी जल्दबाजी में होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं तो इस नहीं वर्ड पे फोकस नहीं करते, इस नहीं जो ये वर्ड दे रखा है, शब्द दे रखा है, इस पे फोकस नहीं करते और स्पीड में पढ़ के आते हैं और फटाफट लगा देते हैं अपना राइट आंसर। तो ये कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी में क्या नहीं है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, सलीम चिश्ती का मकबरा ये भी फतेहपुर में है, और मरियम पैलेस ये भी क्या है, ये भी फतेहपुर सीकरी में है, और जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये दिल्ली तथा आगरा के किले में स्थित है। तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये पूछा गया एमटीएस एग्जाम में 2008 में। देखिए, मुझे मालूम है कि आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि 2008 में अब तो खैर क्या पूछेगा, इतने साल पुरानी बात है, अब क्या पूछेगा। तो आप याद रखिए, जीएस में ईयर कोई मान्य नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता कि आपका कब पूछा गया है जीएस में, वो केवल कॉपी और पेस्ट करेंगे, ठीक है, उनको आर्ट से मतलब नहीं है। आपको मतलब हो सकता है कि यार इतना पुराना क्वेश्चन कौन पूछेगा, भाई एसएससी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, चाहे वो 2001 ही क्यों ना हो, 2008 ही क्यों ना हो, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। अकबर ने एक उपासना भवन बनाया था फतेहपुर सीकरी में, जो बनाया था 1575 में, ठीक है। उस भवन का नाम क्या था, उस भवन का नाम था इबादत खाना,
देखिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने हाईलाइट कर रखी है अलग से, जैसे कि 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इसकी स्थापना की थी, तो आप याद रखिएगा, ये भी आपको नोट करना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी और किसने करी थी, आपको चार ऑप्शन देगा, तो आपको याद रखना है 1575 में अकबर ने करी थी, कहाँ पे करी थी, ये करी थी आपका फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 33, प्रयाग नगर को अलाहाबाद, अल्लाह का नगर किसने कहा था, ठीक है। देखिए जो प्रयाग है इस नगर को बोला था कि ये तो अल्लाह का नगर है, ये भगवान का नगर है, भगवान की नगरी है, भगवान की सिटी है, ये किसने कहा था, ये कहा था अकबर ने। याद रखिएगा मुगल शासक ये अकबर था, उसने बोला था प्रयाग नगर को अलाहाबाद, अलाहाबाद का जो अर्थ है वो है अल्लाह की नगरी, अल्लाह का बसाया हुआ नगर। क्वेश्चन नंबर 34, पानीपत का सेकेंड जो वॉर हुआ था, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी, ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, और ये कब हुई थी, ये हुई थी 5 नवंबर 1556 में। क्योंकि तो पानीपत को लेकर के आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पूछता है, तो आप याद रखिएगा ये कब हुई थी, ये हुई थी 5 नवंबर 1556 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, ये था टोडरमल। देखिए ये क्या था, ये भू राजस्व सुधारों के लिए काम करता था और ये नौ रत्नों में टोडरमल का एक महत्वपूर्ण स्थान था। नौ रत्नों में अकबर के कितने थे, नौ रत्न थे, उसमें से टोडरमल भी एक था, और टोडरमल ने सर्वप्रथम भू प्रबंधन में करोड़ी व्यवस्था लागू की जो विफल रही। आपसे एग्जाम में देखिए क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछ सकता है, लैंग्वेज चेंज कर सकता है, तो ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछा गया कि भू राजस्व सुधारों के लिए अकबर के शासनकाल में कौन कार्य करता था, उत्तरदायी उसने हटा दिया आपके क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में, तो तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर ये उत्तरदायी नहीं भी दिया है, केवल बोल दिया कौन कार्यभार संभालता था भू राजस्व का अकबर के शासनकाल में, तो आपको याद रखना टोडरमल ये क्या था, नौ रत्नों में से एक था, इसने एक प्रथा स्टार्ट करी थी, एक 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 रूल था वो करा था लागू, इसका नाम था आपका करोड़ी व्यवस्था, स्टार्ट तो करी इसने लेकिन बाद में क्या हो गई, ये विफल हो गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था, मतलब उसकी देखरेख करने वाला कौन था, उसका संरक्षण करने वाला कौन था, ये था बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 37, जप्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था, इसका राइट आंसर है एक तिहाई, याद रखिएगा 1/3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध जो संगीतकार था तानसेन, उसका मूल नाम क्या था। देखिए ये जो मूल नाम होता है कभी कभी एग्जाम में आपसे मूल नाम देता है, देखिए बहुत ही बच्चों वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप सच में रियल में काफी बच्चे हैं, ठीक है, तो आपको लिखना चाहिए। देखिए मूल नाम को वो आपके सामने कभी कभी कहता है कि उसका बचपन का नाम क्या था, उसका वास्तविक नाम क्या था, तो ये तीन वर्ड यूज करेगा आपके सामने, मूल, वास्तविक नाम, और थर्ड जो वर्ड यूज करेगा वो करेगा बचपन का नाम क्या था। तो इनका जो नाम था वो था राम तनु पांडे, और इनका जो तानसेन के पिता का नाम था मुकुंद पांडे, और इनका गांव क्या था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इनका जन्म हुआ था। तानसेन के बचपन का नाम क्या था, राम तनु पांडे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर ग्वालियर जिले में। क्वेश्चन नंबर 39, दीने इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये करा गया था अकबर के द्वारा, कब करा गया था, 1582 में, हाईलाइट ग्रीन पेन से आप नीचे देखिए 1582 में, अबुल फजल क्या था इसका प्रधान पुरोहित था, ठीक है। दीने इलाही एक नया धर्म था, इसकी स्टार्टिंग करी थी अकबर ने 1582 में, अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था, अपने नोट्स में केवल इतना ही लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीने इलाही को स्वीकार किया था, बीरबल। क्वेश्चन नंबर 41,
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, मतलब अनपढ़ था, लेकिन नौ रत्नों ने उसको एक बहुत बड़ी जान दी। इसके माइंड में एक प्लान आया कि यार ठीक है कि अगर मैं निरक्षर हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे शासन चलाना है, तो मुझे ऐसी कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी, ऐसी कौन सी व्यवस्था अपने राजकाल में, अपने शासनकाल में स्थापित करनी पड़ेगी कि जिससे मेरा शासनकाल सुसोई सुजोई मतलब पॉजिटिव वे में चल सके अच्छा खासा। तो इसने क्या करा, इसने अपने काल में नौ रत्न मतलब नौ व्यक्ति ऐसे रखे जो इसकी पूरी बैकबोन थी, रीढ़ की हड्डी थी पूरे शासनकाल की, ठीक है, वही कार्यभार संभालते थे। लेकिन ये अकबर था, राजा था, राजा की सीट पर बैठ करके उनकी बातों को सुनता था। वो काफी पढ़े लिखे थे, काफी दिमागदार थे, बहुत बुद्धिमान थे, तो उनकी बातों को सुनता था, समझता था और उनकी देखरेख में सारे कार्य करता था, मतलब डिसीजन लेता था, करते वो लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछता था कि जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है ना, ये थोड़े बहुत शिक्षित व्यक्ति थे, लेकिन पूरा जिसने कभी भी किताब उठा के नहीं देखे, जिसने कभी पेन नहीं पकड़ा अपने हाथ में, वो था अकबर, और इसका शासनकाल सबसे परफेक्ट चला। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है, बैरम खां अकबर। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ, सही जोड़ा क्या है, वो है बैरम खां और अकबर। अब बात करते हैं अकबर और बैरम खां की। बैरम खां अकबर का संरक्षक था तथा 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में उसी के सेना पतित्व में मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 42 में। जैसे देखिए अकबर बीरबल, नाम सुना होगा आपने, तो अकबर बीरबल के साथ आप याद रखिए बैरम खां, तीन जोड़ी है आपस में, अकबर बीरबल साथ में बैरम खां, तो ये तीनों आपस में ज्वाइंट कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए, आपको याद रहेगा बैरम खां क्या था, इसका सेनापति था, ठीक है, और इसका संरक्षण करता था। तो इस तरह से आप अपने नोट्स बनाइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है, यह अकबर। क्वेश्चन नंबर 44, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है केवल क्या 10+2 में ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, लेकिन ये क्वेश्चन आपके अदर एग्जाम में काफी काम आएगा। जैसे आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं रेलवे में काम आएगा, या अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है जुलाई में, अगर आप तब की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से याद करें, नोट मत करें, अभी याद करें, तुरंत इस वीडियो को पॉज करें। देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, ये था अकबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, कि अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय कौन सा नहीं था। देखिए आपसे एग्जाम में जीएस के एक नए क्वेश्चन नहीं से संबंधित जरूर पूछेगा, और मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जो बच्चे पहली बार एग्जाम देते हैं, अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटिशन का, चलिए 50 मान लेता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम है, वैसे 35 से 40 बच्चे बैठते हैं, बाकी डिपेंड करता है कितना बड़ा हॉल है वहाँ का, ठीक है, चलिए 50 बच्चे अगर बैठते हैं, 50 में से आप बिलीव करिए कि 50% बच्चे, मतलब 50 में से 25 बच्चे न्यू बच्चे होते हैं जो पहली बार एग्जाम में बैठे होते हैं, ठीक है। मैं एसएससी का बोल रहा हूँ, अदर एग्जाम देते हैं वो अलग मैटर है, केवल एसएससी की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल अभी, ठीक है। अब 25 में से जो बच्चे नए होते हैं ना, तो वो स्पीड में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और जब वो मैथ को सॉल्व करने बैठते हैं या कोई और सेक्शन ऐसा सॉल्व करते हैं कि उनसे पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, वहाँ का टेंशन आगे अगले क्वेश्चन पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। जब वो जीएस में आते हैं तो वो लोग इतने स्ट्रेसफुल होते हैं, उनके अंदर इतना टर्मोइल जनरेट होता है कि वो इन सब छोटे छोटे शब्दों पर गौर नहीं करते, जैसे नहीं है। अगर आप बाहर कभी आके देखो, बच्चों से बात करो, चलते चलते आपका अगर स्टेशन थोड़ा सा दूर है, आपका बस स्टॉप दूर है, आपका मेट्रो स्टेशन दूर है, जैसे आप लोगों से बात करते हो, अधिकतर बच्चों से आप ये सुनोगे यार मेरा ये क्वेश्चन आता था लेकिन मैंने नहीं यहाँ पे गौर नहीं करा और क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप भी पेशेंस बना के रखना प्लीज, मैं कहना चाहूंगा, छोटी छोटी बातों में आपको गौर करना है अपनी, ठीक है, जो भी गलतियां हैं छोटी छोटी उस पर वर्क करना है, ठीक है। बात देखो बहुत अधिक है लेकिन बात काफी पते की है, जिसको ये बात अजीब लग रही हो तो शायद आपकी तैयारी अच्छी हो, आप ऐसी गलती ना करते हो।
लेकिन जो गलती करते हैं मैं उनके लिए उनको थोड़ा सा वार्न कर रहा हूँ, थोड़ा सा उनको आगाह कर रहा हूँ इस चीज का, ठीक है। अब देखिए उसने बोला है कि अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय कौन सा नहीं था। इसका राइट आंसर है एकता प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या था देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में, कि दास प्रथा, मनसबदारी प्रणाली, जप्ती प्रणाली, सुधार को अकबर द्वारा तो अपनाया गया था या आरंभ करा गया था। एकता प्रणाली किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत करी गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। आप याद रखिएगा, इसकी शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? ये करी गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। आप नोट्स में प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा? सुधार उपाय कौन सा नहीं था? एकता प्रणाली, या फिर लिखिए एकता प्रणाली किसके द्वारा शुरुआत की गई? एकता प्रणाली शुरू की गई इल्तुतमिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? ये करी जहांगीर के शासनकाल में। पराकाष्ठा मतलब होता है आपका जिसने चित्रकारी को काफी उन्नत करा, काफी बढ़ावा दिया और काफी बड़े पैमाने पर चित्रकारी को ले गया। अगर आप कभी भी किसी भी फोर्ट में जाते हैं, किसी भी किले में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पे छोटी मोटी चित्रकारी आपको मिलती है। तो अपने हर किले में, हर कमरे में, हर दीवार में, हर छज्जे पे, हर गुंबद पर चित्रकारी का नमूना आपको मिल जाएगा। और ये पराकाष्ठा पर किसकी थी? ये थी जहांगीर के काल में। जहांगीर ने चित्रकारी से ये बहुत प्रेम करता था। और अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं और वहाँ पे कोई भी किला है हिस्ट्री का, और अधिकतर सभी स्टेट में कोई ना कोई किले हैं, अगर आपके भी स्टेट में कोई किला है, जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, लाल किला, जामा मस्जिद, ऐसी ऐसी जगह पे अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको आज भी चित्रकारी के नमूने मिल जाएंगे। वर्ड नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर है 47। जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। जहांगीर का वास्तविक अर्थ क्या है? वो है विश्व विजेता। ये FCI 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। और 1605 में देखिए क्या हुआ, बादशाह बनने पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। जहांगीर ने गाजी की उपाधि धारण करी गई थी, वो कब करी थी? 1605 में बादशाह बनने पर। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 कि किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? ये लिखी थी बाबर और जहांगीर ने। आप याद रखिएगा, बाबर और जहांगीर ने क्या करा था? अपनी आत्मकथा लिखी थी। केवल इन दोनों ने लिखी थी, ठीक है। पेड़ दे रखा है, देखो बाबर और जहांगीर। सी ऑप्शन में देखिए जहांगीर और शाहजहां दे दिया। अब आपको केवल अगर एक ही नाम याद है तो आप शायद सी लगा के आएंगे अपना आंसर, ठीक है। मैक्सिमम क्योंकि पहले जहांगीर दे दिया, उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले जहांगीर नाम दिया सी ऑप्शन में। तो आपको दोनों याद रखना है, बाबर और जहांगीर। बाबर नामक की रचना की थी, ठीक है, और जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी। देखिए जहांगीरी से जहांगीरी रिलेट हो गया, बाबर से बाबर नामा संबंध बन गया, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में 16 वर्षों के बाद इतिहास मोतबिंद खान ने लिखा था। 16 वर्ष के बाद जहांगीर के शासनकाल कैसा लगा, इसका एक इतिहास लिखा, वो किसने लिखा था? मोतबिंद खान ने। ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में ये आता है, बट SSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपसे नहीं पूछेगा इनका नाम, ये मोतबिंद खान ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। SSC वालों बच्चों प्लीज इसी का ध्यान रखना, ये नहीं पूछेगा आपको। लेकिन बाकी सब कुछ पूछ सकता है कि क्या क्या पूछ सकता है कि मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, उन दो के नाम क्या? उन दो के नाम है बाबर और जहांगीर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? ये था जहांगीर। अभी कुछ समय पहले हमने क्वेश्चन देखा था जहांगीर। देखिए मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में, अब उसने चित्रकारी वर्ड पहले यूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कोने में छोटा सा क्वेश्चन नंबर 46 ये लिखा हुआ है, इस पर फोकस करिए। देखिए मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त की? क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। 46, 49 आंसर सेम है, लैंग्वेज चेंज। तो यही स्किल्स आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछ ले, हम डरेंगे नहीं, हम सही सही उसका जवाब लगा के आएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ था? ये हुआ था मेवाड़ में, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट मत करना।
ठीक है, नोट नहीं करने का मतलब ये है कि अभी वीडियो को पॉज करिए, तुरंत इस क्वेश्चंस को 15 से 20 बार बोलिए और उसको याद करिए। ना तो पेन उठाना है, ना पेपर उठाना है, ना नोट करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसको तुरंत आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस वीडियो को आप दोबारा वॉच करना एक बार, दोबारा वॉच करते ही आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको माइंड में आ जाएगा, अरे इसका राइट आंसर तो ये था। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तुरंत वीडियो को पॉज करिए, कम से कम 10 से 12 बार इसको बोल के देखिए और आपको ये याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यह शाही दरबार में 1608 से 1611 मतलब 3 वर्ष तक ये रहा। कितने वर्षों तक ये रहा? ये रहा 3 वर्षों तक। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। देखिए मनसब कितने का प्रदान करा ये तो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा SSC एग्जाम में, लेकिन ये जरूर पूछेगा ये कब से कब तक आया था या फिर कितने वर्ष तक ये रहा। ये रहा टोटल 3 वर्ष तक और ये 1608 से 1611 तक इसने निवास करा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताऊज 1739 में कौन ले गया था? ये ले गए थे फारसी आक्रमक नादिर शाह। और थोड़ा सा डिटेल में मैं बताना चाहूँगा, फारसी आक्रमक नादिर शाह ने उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा किसको रंगीला की उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी मोहम्मद शाह को। ठीक है, इसके काल में 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। वह अपने साथ शाहजहां का प्रसिद्ध एक था, क्या था? वो था तख्त ए ताऊस भी साथ ले गया था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसका डिटेल थी क्वेश्चंस की। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 क्वेश्चंस है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन पर रखा गया था? दिल्ली में लाल किले का दीवान ए आम में तख्त ए ताऊस रखा गया था। दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवान ए आम में इसके पीछे की दीवार में बने एक पोस्ट में विश्व प्रसिद्ध तख्त ताऊस रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 54, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में है? यह है आगरा में। ठीक है, और मोती मस्जिद आगरा के किले में अवस्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। आप याद रखिएगा इसका निर्माण किसने कराया था? यह कराया था शाहजहां द्वारा। और दिल्ली के लाल किले में अव्यवस्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। दिल्ली के लाल किले में भी एक मोती मस्जिद है, बट ये अव्यवस्थित है, प्रॉपर ढंग से मतलब थोड़ी सी टूट फूट गई है जरूरत से ज्यादा, लेकिन इसका भी निर्माण किसने कराया था? ये कराया था औरंगजेब ने। दोनों का ध्यान रखिएगा, आगरा वाला शाहजहां ने और दिल्ली वाला औरंगजेब ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां की बात करी, देखिए अभी हमने क्वेश्चन देखा है, अब क्वेश्चन ने डिवाइड कर दिया दो भागों में। ठीक है, जैसे कि दिल्ली वाली मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ये तो कराया था औरंगजेब ने। और आगरा वाले की पूछ रहा है तो उसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा, शाहजहां ने। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर कि औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? ठीक है, बहादुर शाह जो हम बोलते हैं, ठीक है, और इसका वैसे वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था आपका मोहम्मद मुहज्जम। देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी के युद्ध में 63 वर्षीय मोहम्मद मुहज्जम विजयी रहा और बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना। उसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। किसको शाह ए बेखबर कहा जाता है एग्जाम में ये पूछेगा, तो आप याद रखना बहादुर शाह को, या फिर आपको ऑप्शन देगा एग्जाम में मोहम्मद मुहज्जम को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए उसकी डेथ हुई, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 56 में देखा, ठीक है, उसकी डेथ के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था 63 वर्ष की उम्र में? ये बना था मोहम्मद मुहज्जम विजयी रहा। मोहम्मद विजयी जो था, मोहम्मद मुहज्जम, यही क्या बना? उत्तराधिकारी बना। 56-57 क्वेश्चन सेम, थोड़ा सा क्या कर दिया, से लैंग्वेज चेंज कर दी। तो मैं यही कहता हूँ बच्चों कि आपको अपना ये स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, तो आप देखिएगा इस तरह से आपको याद करने में बड़ा मजा आएगा, जीके पढ़ने में आपको इतना मजा आएगा जितना आपको मैथ पढ़ने में मजा आता है।
जैसे जिसके साथ अगर आप समय बिताते हो तो उसके साथ रहने में मज़ा आता है, उसको जानो, उसको पहचानो, ठीक है। मैथ काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको काफ़ी टफ लगती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद उनका मैथ इतना अच्छा होता है कि उनको मैथ के बिना नींद नहीं आती। वो एक दिन में ही पूरा फुल डे मैथ ही मैथ करते रहते हैं, पूरा वीक मैथ ही मैथ करते रहते हैं। वो पता ही नहीं कि मैथ का लेवल उन्हें कितना अपना हाईटेक कर लिया, मैथ के एक एक चैप्टर वो टिप्स में याद हो जाता है। तो देखिए मैथ भी करना बहुत ज़रूरी है, जीएस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएस में आपका समय बहुत बच जाता है। अगर आपने जीएस में थोड़ा सा समय दे दिया है ना पढ़ने का, तो मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, मैं ये रियल बोल रहा हूँ कि आपका एग्जाम में समय बहुत बचने वाला है, क्योंकि जो आता है सो आता है, टिक लगाना है, आगे बढ़ना है अगले क्वेश्चन पे, जो नहीं आता तो नहीं आता, उसमें ज़्यादा मथाकच्ची करने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसलिए मैक्सिमम बच्चे जो स्मार्ट स्टडी करते हैं वो मैक्सिमम जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक पकड़ लेते हैं, केवल उसको याद कर लेते हैं, उनका जीएस का 90% पोर्शन कवर हो गया, अच्छे से सिक्योर हो गए, और 10% वो लोग नया कुछ नहीं पढ़ते, बस 90% को लेके साथ में जाते हैं। अगर 25 में से आपने 20 क्वेश्चन भी ढंग से सॉल्व कर लिए तो आपका एग्जाम क्लियर है, क्लियर इन द सेंस के जीएस का पार्ट कम से कम क्लियर है। देखिए बैलेंस हर चीज में जरूरी होगा आपका, आपको मैथ भी करनी है, मैं बोलना चाहूंगा मैथ भी करनी है, बट जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं करना है, हर चीज जरूरत से ज्यादा हानिकारक होती है। अगर आपको पता है कि आप जो दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं, बहुत ही आपकी हेल्थ के लिए यूजफुल होता है, ठीक है, लेकिन जब आपकी बॉडी में मिल्क की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो भी क्या होता है, हानिकारक बन जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हम बादाम खाते हैं, ठीक है, बादाम खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बट जरूरत से ज्यादा अगर हम बादाम खाते हैं तो क्या करता है वो बॉडी में, वो कर देता है गर्मी। ऐसा नहीं कि ठंड में हम मैक्सिमम बादाम खा ले तो हमारी बॉडी में गर्मी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, ठंड में भी फर्क पड़ सकता है, गर्मी में तो फिर पड़ना ही पड़ना है। तो हर चीज का अति होना गलत है, तो बैलेंस सबसे पहले जरूरी है। आपको रीजनिंग करनी है, आप कहते हैं कि रीजनिंग तो कोई भी कर लेता है, अरे कोई भी कर लेता है उसको छोड़ो, आप ये देखिए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, आपके 25 में से अगर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं कि आपका लेवल क्या है, आप अपना लेवल चेक करो। कुछ बच्चे रीजनिंग में काफी डल होते हैं, डल नहीं भी होते, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करने पर आते हैं तो केवल 25 में से उनके क्वेश्चन निकलते हैं 15, लेकिन रीजनिंग भी काफी ईजी सब्जेक्ट है, आप रीजनिंग में फोकस कर सकते हैं। देखिए मैं रीजनिंग आपको फिलहाल इस चैप्टर में, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं बताना चाहता हूँ कि बैलेंस थोड़ा सा बना के चलिए प्लीज, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए अंतिम मुगल सम्राट जो था वो था सी सी कौन, बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड अंतिम मुगल बादशाह था जिसका नाम था जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर जिसे हम बोलते थे। देखिए जफर जो इसको नाम मिला था, जफर इसको नाम मिला था अपनी कविताओं के माध्यम से, क्योंकि ये कविताएं बहुत लिखता था और अपनी कविताओं के नाम पे अपना एक उपनाम देता था जफर, उसके नाम से विख्यात हुआ था जफर, ठीक है। इसका नाम जफर नहीं था, केवल पोएम लिखता था, पोएम के माध्यम से इसने अपने आपको जफर सिद्ध करा, जफर शब्द इसने अपने पूरे विश्व में विख्यात करा। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद इसे बंदी बना लिया गया, इसको रंगून भेजा गया, वहां पे क्या हुआ, ये कुछ वर्षों तक बंदी बना कर रखा गया उसको, वहीं पे इसकी डेथ हो गई। और एक बात और, बहादुर शाह सेकंड जो था 1857 में जो इसकी डेथ हुई थी, इसके पुत्र थे, पुत्रों को इसके ही आंखों के सामने दिल्ली में, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो शायद आपको चांदनी चौक का पता होगा, चांदनी चौक में एक हरदिया लाइब्रेरी है, उसके बारे में आप कभी अगर दिल्ली रहते हैं वहां जाइएगा, उसके पीछे एक थाना है, पुलिस थाना, वो आज भी है, आज भी वो वर्क करता है वहां पे, आज भी आपको पेशर मिलती है, पुलिस वाले मिलते हैं, उसके ऊपर एक लोहे का पोल है, आज भी वो पोल आपको मिल जाएगा, वहां पे लटका करके इसके पुत्रों को इसकी आंखों के सामने जिंदा काटा गया था, लोगों को बुलाया गया था, एक इन्विटेशन दिया गया था, आओ बहादुर शाह जफर के तुम फिलहाल अंतिम पल देखो, कितने मतलब इसके आंसुओं को देखो, इस तरह से मतलब पैम्पलेट वगैरह बांटे गए थे, पोस्टर लगाए गए थे दीवारों पर, और अगले ही दिन बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके जंजीरों से बांध करके सामने लाया गया, उसके तीनों पुत्रों को लटकाया गया था, ठीक है। और लटकाने के बाद में बहुत ही दर्दनाक वो पल था, कहते हैं इसके बारे में एक बुक भी है, उसकी बुक को मैंने पढ़ा था, तो ये बुक आपको मिल जाएगी, बुक अगर नहीं भी मिलेगी तो वीडियो वगैरह वॉच कर लेना, यूट्यूब पर शायद मिल जाए, ठीक है, सेम वीडियो नहीं मिलेगा आपको, कोई दूसरे किरदार होंगे उसमें तो तब भी आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से एक स्टोरी है, और सबसे ज्यादा खून के आंसू रोने वाला जो बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर, रियल में सबसे ज्यादा खून के आंसू जो रोया था, और उनके पुत्रों की लाश को 3 दिन तक उस पोल पे लटका के रखा था, जब तक खून बिल्कुल शरीर से खत्म नहीं हो गया तब तक उसके मतलब उसके बॉडी को कट करते रहे थे, इस तरह की कहानी है। चलिए फिलहाल मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 59 की ओर।
59 कहता है कि हमसे मुगल सम्राटों का मीर बख्ती किस विभाग की अध्यक्षता करता था, ये करता था सेना संगठन की। क्वेश्चन नंबर 60 है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। देखिए ताजमहल बनाया गया कैसे बनेगा, कहाँ पोल लगेंगे, साइड में उसके चार गुंबद हैं, चार पोल हैं, बीच में उसका क्या है, एक फुवारा है, ठीक है। एंट्री कहाँ से होगी, एग्जिट कहाँ से होगा, सीढ़ियों की लंबाई कितनी होगी, सीढ़ियाँ कितनी रखी जाएंगी चढ़ने के लिए, कहाँ पे फूल लगेंगे, कहाँ पे पेड़ लगेंगे, तो ये सब पूरा जो वास्तुकार था, जो डिजाइन करा गया था, एक एक चप्पा चप्पा, वो किसने करा था, ताजमहल का। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, ठीक है। 2003 में नहीं, ये बल्कि ऐसे सीजल में भी कई बार पूछा गया है, वो इस बुक में मेंशन नहीं है, बट इस बुक में जरूरत से ज्यादा जो चीजें हैं वो मतलब कवर करी गई हैं सारी, तो आप याद रखिएगा। उस्ताद ईसा ने, और इसका निर्माण जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1623 में, और इसको 22 वर्ष टोटल लग गए थे। तो ये ग्रीन पेन से जो हाईलाइट कर रखा है, केवल इस पर आप फोकस करिए, बाकी कहानी आप ना पढ़ें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने हाईलाइट कर दी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, कि इनाम भूमि किसे दी जाती थी। इनाम एक भूमि थी, वो किसको दी जाती थी, देखिए भूमि इनाम में किसको मिलेगी, कॉमन सी बात है, जो इंसान क्या होगा, थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत बुद्धिमानी होगा और एक धार्मिक व्यक्ति होगा, बुद्धिमानी जो है ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लेता है, लेकिन क्या करता है, गरीबों की हत्या करता है, तो वो क्या है, इंसान अच्छा नहीं है ना, तो क्या होगा, इनाम भूमि केवल उसको प्रदान की जाती थी जो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर, कि मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, ये थी फारसी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, वो थी फारसी। क्वेश्चन नंबर 63 की, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। कौन सी ऐसी कला, कौन सा ऐसा किला, ठीक है ना, कला बोलें या किला बोलें, कि जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। लाल किला लंबा बहुत है, चौड़ाई कम है, ठीक है। आगरा का किला आप देखिए, उसकी भी लंबाई बहुत है, चौड़ाई कम है, ठीक है। बुलंद दरवाजा, इसका भी केस सेम है, ठीक है, लेकिन ताजमहल बिल्कुल स्क्वायर में है, लंबाई चौड़ाई क्या है, बिल्कुल बराबर है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में बीबी का अकबरा एक्चुअली है कहाँ, मकबरा कहाँ पर है, बीबी का मकबरा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ये है भारत में, और ये कहाँ पर है, ये है औरंगाबाद में, ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, और ये क्वेश्चन साफ लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए कुछ क्वेश्चंस इससे ऊपर आपके एग्जाम में वो देगा, आपका एग्जाम वो इस तरह से सेट करेगा, दो क्वेश्चंस आपको देगा कौन सा सही है, अचानक से बीच में दे देगा आपको एक क्वेश्चन नहीं है, आपको लगेगा उसमें भी हमसे क्या पूछा है, उस क्वेश्चन में भी हमसे पूछा है क्या सही है, और आप सही है के अकॉर्डिंग अपना आंसर लगा के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ बात कर रहा नहीं है कि इसका राइट आंसर है, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। ताजमहल में कोई भी नाम नहीं लिखे गए कि किसने इसको बनाया, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था, ये चैनल आपके लिए यूज़फुल होगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद उसके बाजू में, उसके साइड में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, अगर आप इस बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होंगे तो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि सब्सक्राइब करने के बाद में हमारे अकाउंट से कुछ पैसा कट जाता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए चैनल पे आपको मिलते हैं डेली के डेली दो वीडियो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डेली दो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं। ये सिलसिला काफी समय से चल रहा है, डेली के दो वीडियो अपलोड हो रहे हैं। अगर आपको सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो इस चैनल को आप पहले अनसब्सक्राइब करें, फिर सब्सक्राइब करें, फिर दिखाई देगा आपको ये बेल आइकन, ठीक है। एक बार अनसब्सक्राइब करें, फिर दोबारा आप सब्सक्राइब पे क्लिक करें तुरंत, और तुरंत ही आप इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और एक बार इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पे आपको घटना चक्र की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे इस बुक से संबंधित।
इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, और मेरी बातों पे प्लीज़ गौर करिएगा, जो भी मैंने आपको आज बताया वो सभी क्वेश्चंस के बारे में, और जो मैंने आपको छोटी मोटी गलतियाँ बताई जो एग्ज़ाम में आप लोग कर देते हैं, तो उस पर भी आप फोकस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बहुत बड़ा आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।